Hello and welcome to Policy Beats with Javeria. Today we have a special guest with us, Mr. Sayed Issa Naqvi. He is a senior journalist, anchor person, and foreign affairs reporter with a career spanning over two decades. His vlog, Issa Naqvi, on YouTube is one of Pakistan's most followed news vlogs. Thank you, sir, for joining us today. So how did you end up becoming part of this field? Basically, by design, aap samajh lenge tha. I started off. I come of South Punjab. South Punjab mein zahir hai ke jab aap hote hain to wahan par usually when you go to the school to do hi ya teen cheeze hoti hain, ya aap doctor ban jaye, ya engineer ban jaye, ya aap ye sab ki kahani hai. Ha, ye sab ki kahani hai. To main Islamabad aa gaya tha at an early stage after my FSC, jisme ko bahut acche number nahi aaye the. To yahan par fir Bachelor's of Arts in Modern Languages नमन से किया, साथ ही फिर मैथ्स कॉम किया. लेकिन व्हेन आई वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय बीएएमएल तो आई स्टार्टेड वर्किंग रेडियो और टीवी के लिए. छोटे मोटे काम जो है वो किए स्टार्ट में, वॉइस ओवर्स किए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के फ्रेंच लैंग्वेज में. तो फिर वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई डिसाइडेड कि मैथ्स कम्युनिकेशन एक इंटरेस्टिंग फील्ड है. इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग माई स्टडीज इन फ्रेंच लैंग्वेज, आई थॉट ऑफ डूइंग मैस कम्युनिकेशन किया. बस फिर उसके बाद अखबारों में काम किया, दी पोस्ट, दी नेशन, देन आई वर्क फॉर जियो न्यूज़, फिर दुनिया टीवी, इंडस टीवी, बोल टीवी, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद एबीएन. फिर इन बिटवीन आई स्टार्टेड ऑब्वियसली शिफ्टेड ऑल लाइक थ्रू ऑल द मीडियम्स. डिड नॉट वर्क एक्चुअली फॉर रेडियो बट वर्कड ऑन रेडियो. और अखबार किया, टेलीविजन किया, फिर जब डिजिटल मीडिया का एक बूम आया तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और फेसबुक. तो यही दो मीडियम्स जो हैं वो चला रहा हूँ. ऑब्वियसली ट्विटर जो है वो तो पार्ट ऑफ दैट. दैट्स एन इंप्रेसिव पोर्टफोलियो. एंड सिंस आई एम प्रीटी श्योर यूर यू नो यू वुड टच बेस विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड द फॉरेन इश्यूज दैट पाकिस्तान इज करेंटली फेसिंग, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, ठीक है उसकी डोमेस्टिक फ्रंट पे तो बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं, इकॉनमी का प्रॉब्लम चल रहा है, एक कंसेंसस नहीं है, पोलराइजेशन है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे आपको क्या लगता है ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं? लास्ट ईयर जो हमारी NSP निकली उसके मुताबिक तो हम चाह रहे हैं कि ब्लॉक पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन उसके बावजूद एक कन्फ्यूजन सी नज़र आती है, आपका क्या कहना है इस मामले में? अच्छा, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन है, ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेसी इज़ नॉट अ जीरो सम गेम, और आप सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रख सकते हैं. लेकिन ये मेरा ख्याल है कि उसी तरीके से जिस तरह बुक्स में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखते हैं तो उस तरीके से इन प्रैक्टिस उनको नहीं लाया जाता, वो काबिल अमल नहीं होती. बिल्कुल. तो अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि खासतौर पर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने ये स्पेस ख़त्म कर दी है, ये चॉइसेस ख़त्म कर दी हैं मुल्कों के लिए. वो उनकी पॉलिसी यही है कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं. अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम जेन्युइनली हम आपको कंसिडर ही करते हैं कि आप किसी और के साथ हैं. मतलब जो यूक्रेन और रशिया के दरमियान जिस वक्त सूरत हाल चल रही है, दो लीडर्स थे जिन्होंने मॉस्को में स्टेप इन किया. बिल्कुल. फरवरी लास्ट ईयर, वन वाज इमरान खान एंड द अदर वन वाज जायर बोल्सोनारो फ्रॉम ब्राज़ील. बिल्कुल. और क्रेमलिन में पुतिन के साथ वेंसडे को हैंडशेक हुआ खान साहब, उससे लास्ट वेंसडे जो है इट वाज जायर बोल्सोनारो हु इज रूलिंग ब्राज़ील राइट नाउ, लूला डे सिल्वा. बिल्कुल. लूला डे सिल्वा को बुलाया हुआ है, बाइडेन की मुलाकात और ये सब कुछ चल रहा है. और उधर जायर बोल्सोनारो जो नज़र आता है कि पॉपुलर लीडर था, आप यू कैन ऑलवेज डिसएग्री विद हिज पॉलिसीज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव शुमार होता है, थोड़ा सा मजहबी साइड के ऊपर है, वो इनके जो LGBTQ का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर उस तरीके से डज नॉट बाय दैट स्लोगन, मॉस्को के साथ कोजी अप कर रहा था. बट व्हाटएवर, वो पॉपुलर तो था बट इज आउट ऑफ पावर. पाकिस्तान की बात कर लें तो इट वॉज इमरान खान. बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है. देखें, जहाँ तक बात है पॉलिटिकल पार्टीज, ये इसको टर्मोइल नहीं कहना चाहिए, जमहूरियत में कुछ चीज़ें होती हैं, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. डेमोक्रेसी का जो है वो एसेंस और वो यही है कि जो अपोजिशन है उसने ऑब्वियसली स्ट्रगल करना है, उसने पॉपुलर बात करनी है, उसने अवाम के साथ खड़ा होना है, उनके इश्यूज के साथ खड़ा होना है, ये सब कुछ करना है. बट
देखें ये एक ना बड़ा डिफरेंट टाइम, इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइम. सही. इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द हिस्ट्री. वी हैव हैड अ फ्यू वाटरशेड मोमेंट्स इन अ इन द रीसेंट पास्ट. और पूरी दुनिया इस वक्त जैसे कहते हैं कि टू ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, पूरी दुनिया दम साध के बैठी है. दे आर लुकिंग के बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उससे जो पूरी दुनिया में एक फूड इनसिक्योरिटी का बिल्कुल रिसेशन ने ट्रिगर किया है. उसके अलावा जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो एक क्राइसिस है, साइड बाय साइड ये सारे चल रहे हैं. तो पूरी दुनिया इस वक्त अपनी नज़रें लगा कर बैठी है कि इसके इम्पैक्ट से किस तरह खुद को बचाना है. तो सिर्फ चंद मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली शामिल है, जिस वक्त हम जो है वो इकतदार का एक खेल पाकिस्तान में खेल रहे हैं. इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट मोमेंट. मेरा ख्याल है कि देर इज़ नो प्रॉब्लम इन अ पोलिटिकल पार्टी डूइंग इट स्ट्रगल, चाहे वो उस वक्त PDM कर रही थी या अब खान साहब कर रहे हैं. लेकिन जब आप उसकी टाइमिंग देखते हैं कि पूरी दुनिया उस इम्पैक्ट को इवेलुएट कर रही है, उससे बचने की कोशिश कर रही है, तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो है. जो एक्चुअल फोकस होना चाहिए वो नहीं है. तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ख़ासतौर पर अगर आप उसके आफ्टरमैथ में देखें पूरी दुनिया में क्या हुआ है. सऊदी अरेबिया साइडेड विद पुतिन OPEC प्लस में. खैर उनकी तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी चल रही है vis-a-vis अमेरिका एज वेल विद प्रेसिडेंट बाइडन. इसी बात पे एक और चीज़ पूछते हुए कि वी लुक इनटू आवर नेबरहुड, तो अमूमन ये बात होती है कि पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिकल सेटअप है या जो इंडिया का जो भी पॉलिटिकल सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली दोनों कंट्रीज़ की रिलेशनशिप जो अक्सर मेजर की जाती है. तो सीइंग द करंट मतलब इशूज दैट आर प्रिवेलिंग, हाउ डू यू इनविसेज अ इंडो पाक रिलेशनशिप इन द कमिंग ईयर्स, हाउ डू यू फॉरसी दैट? देखें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अब पहले तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था. इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंडिया जिसका फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त 575 के अराउंड बिलियन डॉलर्स के अराउंड है. हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसका फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बेयरली लिटिल अराउंड 3 बिलियन डॉलर्स. उसके बाद हमारे जो मसाइल हैं उसका अंबार क्या है, और इंडिया जो है वो इस वक्त एक टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है. वो ये कह रहा है कि हमने दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में इट ऑलरेडी इज. तो फिर जब आप देखते हैं उनका माइंडसेट, सही, जिस तरीके से उन्होंने ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ये जो इंडिया आपको नज़र आता है ये बहुत डिफरेंट है, इसके पास स्पेस नहीं है. इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान. मैं इसका ताल्लुक पाकिस्तान और हमारे हिस्टोरिकल बैगेज के साथ नहीं है. सही. ऑफ लेट KP शर्मा ओली जो है उसके साथ नेपाल में क्या सूरत हाल बनी, किस तरीके से उसकी गवर्नमेंट गई नेपाल को, वो कभी चोक कर देते हैं, उसका बॉर्डर बंद कर देते हैं, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसका ख्याल नहीं करते. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जब अर्थक्वेक आया था 2015 ऑनवर्ड्स, जो उनके तरफ जिस तरीके से बुली करता है, उनका जो लिम्पिया धूरा लिपू लेक और काला पानी का जो डिस्प्यूट्स हैं वो जिस तरीके से निकल कर सामने आए. राजनाथ सिंह कहता है वहाँ से सड़क बनाऊंगा, सड़क जो है वो जो उन्होंने कैलाश मानसरोवर की तरफ लेकर जानी है, विच इज़ अ होली साइट फॉर इंडियंस, बट सो दैट डजंट मीन कि आप किसी और मुल्क की टेरिटरी. तो उनका जो एक सगोली का ट्रीटी है वो वाला प्रॉब्लम है. बांग्लादेश के साथ देख लें उनका क्या प्रॉब्लम है. उनका जो होम मिनिस्टर अहमद शाह वो कहता है कि जो बंगाली हैं ये टर्माइट्स हैं, दीमक हैं और ये पैरासाइट्स हैं, और मैं इनको उठा के बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा. तो बांग्लादेश के साथ उनके प्रॉब्लम्स और हैं. कभी वो उनका प्याज जो है वो रोक देते हैं, कभी जो पद्मा रिवर है विच इज़ प्राइमरली ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट्स ऑफ यारलिंग सो विच स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम कैलाश मानसरोवर ट्रेवल्स थ्रू द ब्रेड्थ ऑफ जो तिब्बत है, फिर वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर होता है, ब्रह्मपुत्र बन जाता है, फिर देन इट रन्स थ्रू बांग्लादेश, उसके पानी के ऊपर लेकर प्रॉब्लम है. बांग्लादेश के साथ भी चले पाकिस्तान का है ना, अब उनके साथ भी प्रॉब्लम है. फिर देन वी टॉक अबाउट म्यांमार के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, जो नागा रेबल्स हैं या नक्सलाइट्स हैं या उसके हवाले से वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो उनके बॉर्डर इशूज हैं दे आर देयर. श्रीलंका में उन्होंने सीन फंसाए हुए हैं चाइना के साथ, चाहे वो हनबनतोता के पोर्ट का मामला हो, जाफना पेनिनसुला में जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके मामले को लेकर, फिर वो जो अडानी वहाँ पर कोलंबो का साउथ
टर्मिनल है उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो जापान इंडिया और श्रीलंका का एक माहदा था उसके हवाले से, तो श्रीलंका के साथ भी उनके प्रॉब्लम्स हैं. एंड देन यू टॉक अबाउट मालदीव्स में गो इंडिया या इंडिया आउट कैंपेन जो है वो हैशटैग वो बड़ा चल रहा है. मालदीव्स के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं. देन यू टॉक अबाउट थोड़ा सा इमीडिएट नेबर से हट जाएं, आप अफगानिस्तान की बात कर लें, 20 साल वो करजई एंड देन गनी की गवर्नमेंट्स के साथ किस तरीके से डील करते रहे, तालिबान के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या थी और अब वो उनको किस तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो नेबरिंग कंट्रीज के सॉइल को किस तरीके से अपने जियोपॉलिटिकल एम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर दे हैव दिस INSTC कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बेसिकली वो कंसिडर करते हैं इज गोना बी अ काउंटर टू BRI. देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन ड्रॉ हो ही नहीं सकता, लेकिन वो थ्रू ईरान दे वांट कि हम अपने एक अल्टरनेट रूट बना लें. वो डायमंड नेकलेस की बात करते हैं अगेंस्ट द पर्ल ऑफ जो चाइनीज पर्ल्स की बात करते हैं. अब थोड़ा सा बैक ट्रैक करूंगी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक पे बात की जो इंडिया और नेपाल है और साथ में हमारे पास चाइना भी है. साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में इट्स इम्पॉसिबल नॉट टू डिस्कस. वी फॉरगॉट चाइना. बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ. तो साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में जो इस वक्त राइजिंग ट्रेंड्स हैं, जो कि USIP की रिपोर्ट्स कभी सदरन एशिया करके बोलती हैं ताकि वो चाइनीज एलिमेंट को बेहतर एक्सप्लेन कर सकें फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि इंडो चाइना क्लैशेस के ऊपर भी बहुत सिनेरियोज बनाए गए हैं, तो आपके मुताबिक हाउ मच ऑफ दिस राइवलरी इज गोइंग टू यू नो एस्केलेट व्हेन इट कम्स टू द बॉर्डर. और दूसरी चीज़ थोड़ा सा लिंक करूँगी इसे पाकिस्तान के साथ, वो यूँ कि हम लोग बात करते हैं इंडिया से ट्रेड करने की और इंडिया और चाइना रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनमीज आर स्टिल फ्लरिशिंग, वो चल रहा है डिस्पाइट देयर प्रॉब्लम्स ऑन द बॉर्डर एंड अदर जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं. उसके साथ साथ ये जो सारी हिमालयन जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ये वाटर बॉडीज़ के ऊपर और ये इंडस वाटर ट्रीटीज़ और ये सारे इश्यूज, इस सब के ऊपर आपको बेसिकली व्हाट सॉर्ट ऑफ सिनेरियो डू यू थिंक इज कमिंग इन व्हेन इट कम्स टू इंडो चाइना रिलेशंस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्प्लिकेशन कैन वी सी फॉर पाकिस्तान? लेकिन ये बड़ा ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको थोड़ा सा अपना जो मेरा एंगल है मैं उसको रखने की कोशिश करूं. देखें यहाँ पे जो प्राइमरीली जो करंट फॉर्म ऑफ साइनो इंडिया राइवलरी आपको नज़र आती है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ साइनो यूएस राइवलरी. सही, ये इसको ट्रिगर जो कर रहा है, जो इसको बेसिकली इसको बाय एक्चुअली तो एक फ्रिक्शंस तो मौजूद है, लेकिन वो फ्रिक्शंस तो आप जो 62 की वॉर हुई थी वो क्यों हुई थी, वो नहीं फ्रिक्शंस पे हुई थी. तो अलाउ मी टू इंटरप्ट हियर स्लाइटली एंड परहैप्स से फॉर आवर ऑडियंस के वी आर बेसिकली सेइंग द एस्केलेशन इन इंडिया चाइना प्रॉब्लम्स इज मोर सो बिकॉज ऑफ द US पैराडाइम इन साउथ एशिया, लाइक द US पुश. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए you have to understand one thing. America super power है, yes, you will get an answer. Yes, अमरीका super power है. अमरीका कैसे super power है? अकेले खुद से नहीं, उसके allies हैं जिनके साथ वो जो उसकी बैसाखियों के तौर पर काम करते हैं, जो उसको support करते हैं, जो उसके तरतीब दिए हुए so called rules based international order को follow करते हैं, वो Washington की तरफ देखते हैं अपनी policies के लिए, डिफेंस पॉलिसी के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने हाँ इवन समटाइम्स लोकल पॉलिसीज चलाने के लिए जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं. दैट्स हाउ अमेरिका इज़ देयर लीडर. और क्या अब उसको कोई चैलेंज कर रहा है? देन द सेकेंड क्वेश्चन इज यस, एंड कौन चैलेंज कर रहा है? आंसर इज चाइना. चाइना को किसकी सपोर्ट हासिल है? रशिया की. अच्छा, अब जब ये एक ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने आ जाती है तो फिर आप इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं कि अमेरिका में एक चेंज आती है डोनाल्ड ट्रंप के बाद जिसमें जो बाइडन आते हैं. जी जी. तो 21 जनवरी को जिस वक्त वो सदर बन जाते हैं, उसके बाद अपना वो फर्स्ट विजिट करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट का 4 February को, वहाँ पे जो अपनी पॉलिसी बताते हैं वो ये कहते हैं कि मेरा जो सबसे बड़ा इस वक्त टारगेट है, प्राइमरी टारगेट, वो है चाइना. के नॉट अंडर माय वॉच, मेरे होते हुए मेरे वक्त के दौरान चाइना ना तो दुनिया की सबसे बड़ी मौशी कुव्वत बन सकता है, ना सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत बन सकता है. और उसके लिए वो अपना एक रोड मैप देते हैं. वो कहते हैं कि आई रिपेयर माई अलाइंसेज, आई फोर्ज न्यू अलाइंसेस,
जिसमें हम नए अलायंसेस बनते देखते हैं, ऑकस अलायंस बनता है जो ऑलरेडी उनके अलायंसेस हैं, चाहे वो नेटो है, चाहे वो फाइव आइज अलायंस है, चाहे वो यूरोप के साथ है, क्वाड है, वो उसको रिवाइटलाइज करते हैं। और नेटो का जो ब्रसेल्स का उस साल का, फिर नेक्स्ट ईयर मैड्रिड का जो आउटकम डॉक्यूमेंट है, फिर G7 जो फर्स्ट मीटिंग हुई इनके आने के बाद कार्बिस बे में यूके में कॉर्नवेल काउंटी, एंड देन नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर इट वाज इन श्लोसलमाओ जर्मनी बवेरियन एल्प्स। इन सब की जब आप आउटकम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उसमें एक चीज़ बड़ी स्टैंड आउट करती है कि नेटो जो है वो तो प्राइमरीली था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। एक तो उसकी जो इस वक्त एग्जिस्टेंस है और जो फॉर्म उसने ली है, और वो रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन में जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। फिर एक एशियन नेटो बनाने की बातें हो रही हैं, और अब वो उसके आउटकम डॉक्यूमेंट्स में और जो अपने 10 ईयर वो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कि 10 साल तक जो सबसे सीरियस कंपेटिटर है और एक तरीके से थ्रेट जिसको करार दे रहे हैं वो चाइना भी है। बल्कि अब तो साथ में दे हैव टेकन इनटू अकाउंट कि रशिया चाइना पार्टनरशिप इटसेल्फ हैज टू बी डेल्ट विद हेड ऑन। पहले मेरा ख्याल से चाइना को एज अ सिंगुलर एंटिटी देखा जा रहा था, लेकिन नाउ द रशिया चाइना पार्टनरशिप हैज प्रूवन टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ सिनर्जाइज अगेंस्ट द वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर परहैप्स। तो अब ये बेसिकली अब नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू साउथ एशिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया जो है विद ऑल दोज थिंग्स जो कि उसको एक ऐसी पोजीशन में लेकर आते हैं कि इट कैन नॉट बी एन एलाय विद द यूएस, मतलब रशिया के साथ ट्रेड करता है, वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता है, पिछले 5 साल में $24 अरब की $24 बिलियन का वेपन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट करता है, उसमें से $13 बिलियन का वो रशिया से इम्पोर्ट करता है। अमेरिका का एक कानून है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा। जी जी। काटसा जो है वो अमेरिका को ये तो रिवाइज भी कर दिया हमने इंडिया की खातिर, इंडिया के लिए। अब आप देखिए कि ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट सिनेरियो बनता है जिसमें इंडिया अमेरिका का एलाय नहीं हो सकता, लेकिन होता क्या है कि इंडिया को अमेरिका जो है वो सिविल न्यूक्लियर डील भी देता है, फैसिलिटेट कर रहा है, लीमा का लॉजिस्टिक एक्सचेंज का मुआहदा करता है, बी का करता है, कमकासा करता है। जब US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कहता है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और इसके ऊपर कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डालना चाहिए, उस पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए, उस पर उसको वेवर दिया जाता है। उसकी वजह क्या है, ये जो अनड्यू फेवर्स दी जा रही हैं इंडिया, उसकी वजह यह है कि इंडिया का गिवन इट्स साइज एंड पॉपुलेशन, अब दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क इंडिया हो चुका है, इट हैज सरपास चाइना 1.4 बिलियन पीपल। तो उसका फिर जो लैंड मास है आप उसको देखते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है, यू गेट टू नो कि दुनिया का रकबे के हिसाब से गालिबन 7वां बड़ा मुल्क है और आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसमें वो पोटेंशियल मौजूद है कि अगर ये आपकी साइड पर खेलेगा तो जो आपका एम था चाइना को काउंटर करने का, उसका पोटेंशियल कैंडिडेट अगर इस रीजन में कोई है तो वो इंडिया है। अब नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट हैज बीन देयर। बिल्कुल। वो तो चोन लाए और उस वक्त से 59 के लेटर्स एक्सचेंज हुए हुए, उस वक्त का प्रॉब्लम मौजूद है, सबको मालूम है। 62 का वॉर लड़ा उन्होंने, इंडिया की पार्लियामेंट की 1992 और 1994 की रेजोल्यूशंस हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जो लद्दाख है इसमें जो ये तो पूरा हमारा है लेकिन एक्साई चिन का एरिया भी हमारा है। ये प्रॉब्लम्स तो थे, लेकिन अब जो है वो चाइना का दूसरी तरफ जो काउंटर है चाइना के पास, जो चाइना कर रहा है, जो उसके जियोपॉलिटिकल एम्स हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी स्टैंड आउट होकर सामने आई है कि शी जिनपिंग जो है इस ओपनली टॉकिंग अबाउट अ वन चाइना ड्रीम। बिल्कुल। और जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है जिसमें वो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली जो जो एरियाज हमारा हिस्सा रहे हैं, चाहे वो ताइवान है, तिब्बत है, फिर उसमें इंटरेस्टिंगली अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है विच बॉर्डर्स विद तिब्बत इंडिया के, वो उसको भी वापस लेने की बात करते हैं। इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है कि अभी तक डीएस्केलेशन नहीं हुई, इंडिया और चाइना की मुकम्मल नहीं हुई, एक दो सेक्टर्स से उन्होंने वापस किए, लेकिन फिर जो इनकर्शंस जो हैं वो इस साइड से गलवान के
और लद्दाख के एरिया से निकल कर सिक्किम में अभी भी मौजूद है, उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में ख़ासतौर पर तवांग सेक्टर जहाँ पर एक बड़ी मॉनेस्ट्री मौजूद है बुद्धिस्ट, वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहा है, तकरीबन 15 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जिनके नाम उन्होंने मैंद्रिन में चाइनीज में डेसिग्नेट कर दिए हैं चाइना ने, विच मीन्स कि वो अपना क्लेम उसको जिता भी रहे हैं। और इंडियन एक्सपर्ट्स की जुबान में अगर मैं कहूँ, जिनको यानी कि हम देखते हैं फॉलो करते हैं, दे से इट्स नॉट अबाउट इफ, इट्स अबाउट व्हेन, चाइना ने ये करना है और उसके लिए फिर इंडिया तैयारी करता हुआ भी नजर आता है। वो स्ट्रेट ऑफ मलाका में अपना मसल दिखा रहा है, वो आईओआर की जो इंडियन ओशन रीजन की स्मॉल स्टेट्स हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पर, सेशल्स में फॉर दैट मैटर एक उसका आइलैंड है विक्टोरिया, वहाँ पर एक बेस बनाने के लिए उन्होंने $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। फिर जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको नेवल और दूसरा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो देने की बात कर रहा है। तो इंडिया के एम्स वो सारे मौजूद हैं और एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम फ्रिक्शन पॉइंट्स मौजूद हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है। देन दी अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के पाकिस्तान इस सारे मामले इतना सब कुछ चल रहा है जहाँ पे इंडिया टेक्स प्रेसिडेंस, तो यहाँ पे आवर कंट्री विद यू नो वी आर बैटलिंग विद आवर इकोनॉमी आवर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, हाउ डू वी गेट टू टेक दैट स्पेस इन दिस सॉर्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स? आई थिंक दिस मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत परमानेंट फेज नहीं है पाकिस्तान पर। सही, आप थोड़ा सा टाइम को रिवाइंड करें, आई विल टेक यू बैक टू 2020-2021 एंड इवन द फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ 2022, इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रही थी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पर्सन, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उस वक्त बिपिन रावत, उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, एक के बाद एक उनके जो एयर चीफ्स हैं विवेक राम चौधरी हों, आर के एस भदौरिया हों, उसके बाद जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल, उनके आप फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें, सुब्रमण्यम जयशंकर, एक के बाद एक रिपीटेडली एक ही बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हम टू फ्रंट सिनेरियो के लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टू फ्रंट सिनेरियो, वी आर आइसोलेटेड इन साउथ एशिया, टू फ्रंट सिनेरियो जिसमें पाकिस्तान और चाइना, उनका दोनों का थ्रेट हमें मौजूद है। तो पाकिस्तान के जो गैजेटरी है या अभी एक टेम्परेरी सा फेज है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, या पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसमें कोई फोकस नज़र नहीं आता आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, क्योंकि अब आपके पास 12-13 जमातें हैं और उन तमाम के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बिलावल्स पार्टी हैज़ इट्स ओन पॉइंट ऑफ व्यू रीजनल उसमें, बट इसमें एक जो आप कह सकते हैं कि एक चीज़ जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो किसी बाकायदा मंशूर के तहत इलेक्शन लड़के हुकूमत में नहीं आए। बिल्कुल, एक होता है ना कि आपका एक मैनिफेस्टो होता है, आप लोगों से मैंडेट लेते हैं, आप कहते हैं मेरा कश्मीर पे ये पॉलिसी है, मेरी इंडिया के साथ ये पॉलिसी है, मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो यहाँ पर तो हम 12-13 जमातों की बात करें जो मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज पे इलेक्शन लड़े हुए हैं, जब उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है हाँ जी, तो कौन डोमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ तारिक फातमी डोमिनेट करेगा और प्राइम मिनिस्टर डोमिनेट करेगा, या फॉरन ऑफिस में बैठी हुई हिना रबानी खर और बिलावल भुट्टो जरदारी डोमिनेट करेंगे? आपको जो आपने रोलर कोस्टर राइड ली है, जिस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक वक्त आता है बिलावल जो है वो जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इस्लामाबाद और वहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, मौशी इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, काइंड ऑफ के आप बैक बर्नर पर डाल दें कश्मीर को, इस किस्म की वो वाइब्स देते हैं। फिर मुफ्ता इस्माइल कहते हैं कि टमाटर और प्याज इम्पोर्ट कर लें इंडिया से, ये सब कुछ चल रहा होता है और इसी सिनेरियो में अचानक बिलावल को याद आता है कि ये तो बुचर ऑफ गुजरात है, ये तो गुजरात का कसाई है। तो वो जो ये रोला कोस्टर राइड नहीं चल सकती, ये नहीं कर सकते आप कि आप एक दिन मोदी के जो है आपका दिल कर रहा हो कि आप उसको झाट झप्पी डाल लें और एक दिन आपका दिल कर रहा हो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी नैरेटिव्स के ऊपर भी, अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो आजकल के हमारे लीडर्स भी इस तरह के कैच फ्रेजेस, मतलब वो ना भी करें तो वो बन जाते हैं। इस सारे वॉर ऑफ नैरेटिव्स के बीच में बहुत बात आती है पाकिस्तान को अबाउट इट्स सॉफ्ट सेलिंग इट्स सॉफ्ट इमेज और यू नो प्रोजेक्टिंग द प्रॉपर डिप्लोमेसी, पब्लिक डिप्लोमेसी बेसिकली। इस फ्रंट पे आप क्या कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस एंड फेलियर्स एंड मूविंग फॉरवर्ड,
How do you see this trajectory in the digital domain when it comes to the convergence of the political and the digital? How do you see Pakistan move forward? अच्छा मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान इस सारे मामले में बहुत पीछे है. वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स कि दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ, एक तो हमने उसके साथ अडाप्ट बहुत लेट किया है. हमारे यहाँ जिस वक्त आई गिव यू माई एग्जाम्पल और लाइक सम ऑफ द पीपल जो 80s में या 90s में पैदा हुए जिनको हमारे स्कूल्स में उस वक्त हमने अडाप्ट नहीं किया था. हम इस वक्त नहीं देख रहे थे कि दुनिया जो है वो ब्रेन सेल्स के साथ सिलिकॉन चिप को जोड़ रही है. और हम ठीक है उर्दू का कायदा भी पढ़ना चाहिए लेकिन हम वो अलिफ बे वाला कायदा भी पढ़ रहे थे और हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं से अभी निकले नहीं थे हम. और हमारे टीचर्स जो हैं वो बाकायदा वो डिसलाइक करते थे कि अगर कोई बच्चा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर. बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्कूल्स में बहुत अच्छे से याद है. और क्या हुआ, हम मशीन से दूर रहे ना, तो फिर क्या हुआ कि हम जिस प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स ऑल फुल ऑफ गैजेट्स एंड वी आर नॉट ट्रेंड और वी आर नॉट वेरी गुड एंड एप्ट एट डूइंग इट. तो अभी भी हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है उसका बूम है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका एक जो सोशल मीडिया एप्स नॉर्मल जिस तरह फेसबुक है या दूसरे, लेकिन हर मीडियम की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ. ट्विटर की बात कर लें आप, यूट्यूब की बात कर लें, लोगों का जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. और फिर उसके बाद जो फाइनेंसेस हैं वो शिफ्ट हो गए हैं. जब फाइनेंसेस के ऊपर शिफ्ट कर गया तो इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू लास्ट. Now what happens is के पाकिस्तान में इसके हवाले से अभी भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है. हमारी स्टेट के पास अभी भी ये क्लैरिटी नहीं है कि आपने इसको एम्ब्रेस करना है या आपने इसको आउटराइटली मुकम्मल रिजेक्ट करना. रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है. पाकिस्तान जो है उसमें आप इसको बंद नहीं कर सकते. इस वक्त आपके पास जो डॉलर आ रहा है उसका एक बड़ा चंक इन प्लेटफॉर्म से आ रहा है. आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज आपकी बड़ी लिमिटेड है, आपके टेक्सटाइल है, ये दो चीज़ें निकाल दें और फिर आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप निकाल दें तो आपके पास कुछ नहीं है. फिर आपके कुछ फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं जो एक बड़ा चंक है हमारे जो लोग बाहर काम करते हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने इसको करना है. जब करना है तो फिर ठीक तरीके से करें ना आप. उसके लिए बेशक अपना मेरा तो ख्याल है कि जो स्कूल लेवल है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, बताना शुरू करें फेक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको किस चीज़ को डिसइंफॉर्मेशन क्या है, डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, मिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, मिसलीडिंग कंटेंट कैसा होता है, प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा को काउंटर करने का क्या तरीका है. और फिर हमारे यहाँ जो रियासत है और हमारे जो इदारे हैं उनको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है. आपको हर चीज का जवाब नहीं देना होता. समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. उससे बेहतर आपका जो कम्युनिकेशन है कोई नहीं हो सकता. तो ये वो चीजें हैं जिनको लर्न करने की जरूरत है. और डिजिटल डोमेन में हमारा मुल्क जो है वो, मैं तो उसका कंपैरिजन जाहिर है इंडिया के साथ करूंगा तो हम बहुत पीछे हैं. और इवन अदरवाइज आप यूजर्स के एतबार से देख लें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप दुनिया का पांचवीं सबसे बड़ी आबादी हैं. और अगर आप YouTube के सिर्फ यूजर्स की बात करें तो दुनिया में सातवें नंबर पे पाकिस्तान में YouTube के यूजर्स हैं, 7 करोड़ से ज्यादा. नाउ यू जस्ट ट्राई टू, यानी कि आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. नंबर वन इज इंडिया, नंबर टू इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके बाद आपके पास ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, एक दो और हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, सॉरी, एक दो और हैं. सातवें नंबर पर पाकिस्तान है. आप अंदाज़ा लगाइए कि आप सातवें नंबर पे यूट्यूब के सबसे बड़े यूज़र हैं. 7 करोड़ से ज़ायद डिवाइसेज हैं जिसके ऊपर यूट्यूब मौजूद है और वो लोग इस्तेमाल करते हैं. और हमारे मुल्क में अभी तक ये डिसीजन नहीं हो सका कि इसको चलाना है या इसको बंद करना है. आधा मुल्क डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, आधे मुल्क में इस पे कंसेंसस नहीं आ रहा. दिन पहले मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों के पास एक इवेंट था वहाँ पर भी आया था, वहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो पेपर है ये इट विल सीज टू एग्जिस्ट. तो अगर आप नहीं इसके लिए तैयारी करेंगे तो द वर्ल्ड इज नॉट गोना वेट फॉर यू. सही, आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का. दिस वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड थैंक यू सो मच.